आते हुए भी होगा। धुंध आ गई भाई, देखो शरीर को देख लो किस तरीके से लटकी पड़ी है। लो एक चक्कर तो काट दिया है, गाड़ी आ रही जा रही है। अब पूजा को लेने जाएंगी, थोड़ी देर में आएगी पूजा, आधे घंटे में। श्री आ गई है, श्री घर पे आ गई है। अरे अरे बाबू, पता है किस लिए बांधा हमने श्री को? ये दूध डालती है बहुत ज्यादा, इसलिए बांध दिया ताकि इसके काले काले कपड़े गंदे ना हो। कितना क्यूट क्यूट लग रहा है ना। श्री को चोट भी लग गई फेस पे, देखो यहाँ पे निशान हो गया है ना। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा दो तीन दिन में। और ये कनु को देखो कितना अच्छा हेयर स्टाइल किया था, आते ही इसके काम देख लो। दीदी खोल देंगी, रुक जाओ भाई रुक जाओ। बस इसको तो ओपन करने की रहती किसी चीज को। शानू फैन ऑफ कर दो बाबू। शानू भी आ गई, शानू इधर आओ दिखाओ। शानू जैकेट पहन के आई है, दोनों ने सेम सेम पहना था, पर खड़े होके वीडियो तो बनवा ले। आजा जैकेट निकाल दे, एक इनकी वीडियो बना के डाल दो इनकी आईडी पे, मेमोरीज रहती हैं। बहिंदर श्री को छोड़ दिया बेड पे, खेल रही है खुद। और कनु शानू के हैंड वॉश हो रहे हैं गर्म पानी से। शानू कनु ये पहनेगी और शानू ये वाले पहनेगी। शानू की मम्मी लेट आएगी अभी, तो कपड़े चेंज करके सॉक्स पहना के उनको आराम से बिठा देंगे, और फिर आते ही शानू की मम्मी उसको ले जाएगी। जब इसे शादी में से आ गए, बाल बूल कुछ नहीं करवाए, ऐसे ही चली गई थी, गिल्ले थे। और मेरे बाल मैंने हेड वॉश किया था जब, देखो प्रेसिंग मशीन मेरी कई महीने से गुम हो रही है, मिल ही नहीं रही है। पता नहीं मैंने किसी को दी थी, अभी याद भी नहीं आ रही वो मुझे, तो अब नहीं मंगवानी पड़ेगी। और स्मूथनिंग करवानी रखी बालों की, तो बाल सारे ऐसे ही हो रहे हैं। अभी हस्बैंड जी मुझे छोड़ के चले गए, पूजा को लेने गए हैं। पूजा आएगी, अक्षित आएगा, फिर तब तक हम कपड़े चेंज करके घर को सही कर लेंगे। और घर पे जो है घड़ी करनाल से गेस्ट भी आएंगे जो शादी में आए हुए हैं लड़के वालों की तरफ से, तो उनसे भी मिलवाऊंगी आने के बाद। तो अभी एक बार कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। रूम रूम तो सब क्लीन है। जो सूट मैं पहन रही थी ना ब्लैक कलर का, वो ऐसे डाल के गई, फंसा ही नहीं मेरे को। प्लाजो तो आ गया, फिर पता नहीं मोटी हो गई या फिटिंग में ही दिक्कत थी उसकी, मैंने पहन के भी नहीं देखा था वो। एक बार बस शॉप पे दिया था, फिर फिटिंग के लिए दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो है पहन के नहीं देखा, तो वो सूट मेरे को फंसा ही नहीं, फिर मैंने उसको डाल दिया। फिर ये रखा था मेरा ऑप्शन में, मैंने ये पहले, ये भी अच्छा लगा, काफ़ी हैवी सूट है ये वाला भी, तो ठीक था ठीक ठाक। आराम से मतलब शादी करके आ गए। इंद्र श्री फीड भी करते तो थोड़ा सा मेरे को ईजी भी रहता है कि सही सर कम्फर्टेबल सा सूट पहनो। श्री को देखो, श्री श्री बाबू, तो भी एक बार कपड़े चेंज कर दें बच्चा के। लो जी, गुड़िया को कोई मतलब शादी में जाने में कुछ नाच गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कहीं जाए ना जाए, इसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। और शादी में नहीं गई थी तो ये अपना स्टडी कर रही थी, अब भी स्टडी कर रही है। हम शादी से भी आ गए हैं, पूजा थोड़ा सा लेट आएगी। पूजा पूरी बारात इंजॉय करके आएगी, डांस वांस करके इनके साथ ही आई अभी दीदी, और के साथ ही हस्बैंड जी जो है वहीं रह गई। और पूजा आ गई दीदी के साथ, ये दीदी को घड़ी करनाल से हैं सविता दीदी, और इनके हस्बैंड आए हैं साथ में। कनु और शानू को देख लो, कपड़े चेंज करके इंद्र श्री को खिला रहे हैं, और रक्षित भी आ गया साथ में इनको। अब पूजा को छोड़ के आएंगे, पूजा खुद ही तैयार हुई थी शादी में भाई, अपने आप ही। हम ज़्यादातर सैलून वगैरह में कभी भी नहीं जाते, घर पे ही तैयार हो लेते हैं, कहीं चाहे पार्टी हो। एक आधी पर वैसे अपना बूथ बनवाना हो तो पार्लर में चले जाते हैं, नहीं तो अपना घर पे ही तैयार हो लेते हैं। जो भी मेकअप शेकअप इतना ज़्यादा करते नहीं हैं, घर पे ही अपना थोड़ा बहुत जो आता वही कर लेते हैं। और कनु और शानू को देखो, इसे इंद्र श्री को खिला रहे हैं। पापा नहीं आए, किसके साथ आए? मियां सिंह तो और के साथ है। हां, स्कॉर्पियो में यहां बैठे थे, हम यहां बैठे थे, हम ऊंचे हो गए थे। हां,
अच्छा चल अब मैं तो जाऊंगी। पापा कितने बजे आएंगे? क्या होगा 4 अभी ये वो विदाई करवा का 2:30 बजे तक लो जी। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने जो है टमाटर की चटनी बनवाई है और आलू गाजर की सब्जी, जो कि सब्जी में छोंक रही हूँ, और दीदी चटनी बना रही है टमाटर की। टमाटर को भून के फिर इसको जो है मिक्सी में पीस के और घी से छोंक देंगे, घी डाल के चमचे में छोंक देंगे। बहुत टेस्टी बनती है ऐसी चटनी, किसी दिन दिखाऊंगी बाद में। अभी तो आलू गाजर की सब्जी बना दूँ, टमाटर नहीं डालते हमारे यहाँ सब्जी में, कम डालते हैं। कभी कभार मैं डाल लेती हूँ तो खा लेते हैं सब, बाकी मम्मी तो कभी भी नहीं खाती दाल वगैरह, पापा मम्मी कभी नहीं खाते हैं, तो कम ही कर दिया हमने सब्जियों में टमाटर डालना। दाल में मेरे को पसंद है, मूंग मसूर की दाल में डाल के खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो आलू गाजर की सब्जी, अब तो सर्दियों में सभी सब्जियों में आलू डलेंगे। और मैंने अब आलू खाना बंद कर दिया बिल्कुल भी, आलू दही घी मक्खन पनीर बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब ज़्यादातर मैं खिचड़ी दाल सिंपल खाना खाया करूँगी बिल्कुल, और रोटी कम खाया करूँगी लंच में। अब से मेरा जो है वेट लूज जर्नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया मेरा और पहले से काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया है। तो देखते हैं मेरा नया चैलेंज कब से शुरू होगा, आप लोगों के साथ कब से आएगा। ये देखो भाई, थोड़ा सा पानी डालूंगी बाकी इसको ढक दूंगी मैं। नाश्ता रेडी हो चुका है। हाँ तो ये गाजर आलू की सब्जी होगी, बाहर दिखा दूंगा ना। ये अपना भाई है भाई, मियां सिंह रांझा, आप लोगों को सबको दिखता होगा व्लॉग में, हरियाणा से आ रहा हूँ अभी। ये भाई लस्सी सलाद, और ये भाई स्पेशल चटनी है टमाटर की, ये अचार है, और भाई ये गुड़ साथ में। दही भाई जी करो शुरू, मैं भी लेके आया बस। और भाई ये भाभी बैठती है हमारी, और ये हमारा गोलू है, इसे जो फंस जा ना छोड़ता नहीं, फिर किसी का हाथ ही हो बस सोच लो खा लो, बस हाथ पकड़ के जैसे तैसे करके। लो भाई यहाँ पे तो मैंने सिंपल रोटी सब्जी बनाई है, साथ में चटनी है लस्सी है। और अगर मेरी ससुराल वालों की तरफ से गेस्ट आते, या फिर अगर मैं हरियाणा में होती और इधर से गेस्ट आते मेरे ससुराल की तरफ से, तो मैं ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे या पनीर के पराठे इस तरीके से कुछ बनाना पड़ता। और आपने पता है हरियाणा वाले सिंपल खाना पसंद करें, दही लस्सी ज़्यादातर, तो इसलिए फिर हमने जो है यही बनाया खाने में आलू गाजर की सब्जी। दीदी ने बोला था सिंपल वाला खाना बनाओ, क्योंकि रात को शादी में भी खाया था पनीर वगैरह, तो बोला पराठे वराठे खाने की कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा खाना बनाया कि अच्छा भी रहे और सफ़र में जाएंगे भी वापस पेट भर के भी अच्छा खाना खा लें। ये नहीं ब्रेकफास्ट में तला हुआ कुछ भी खा लेंगे, जैसे कि हम खाते हैं पराठे वराठे ज़्यादातर। तो भैया आटा भी पीस गया हमारा गर्मा गर्म, जो है ताज़ा ताज़ा चून भी पीस लिया, मतलब कि गेहूँ चक्की चल रही थी साथ में ही, मैं लेके आई अभी निकाल के। मैं सुविता रही ता ली है, फिर वापस लगा आऊँगी मैं, एक बार ताक दे दिए मैंने। अच्छा फिर आ जाइयो भैया, फिर आ जाइयो मखा और क्या। सतनाम जी आइयो। हाँ लो जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और आते इंद्र श्री को देख लो खेल रही है मजे से, इसको तो मैं लेटा देती हूँ आराम से, कई बार टीवी भी देख लेती है पर सोती नहीं है, इसका पता नहीं, अगर मैं साथ में सोऊंगी इसके पास लेटी रहूँगी तो सो जाएगी, नहीं तो नहीं सोएगी। सुबह जो आलू गाजर बनाए थे वो तो ख़त्म हो गए थे, तो कमी रह गई थी सब्जी, फिर हमने दाल बना ली थी दोपहर को बच्चों के लिए, और पसंद है बहुत है बच्चों को कच्चे प्याज खाना दाल रोटी खाना, तो बच्चों के लिए मैंने दाल बना ली थी लंच में, और खुद भी दाल खाई थी फिर
मैं रोटी अब कम खाती हूँ, रोटी लंच में। तो भाई कई दिन से हम बाहर गए हुए थे और फिर आए, आते ही रात को ही आए हम सुबह के टाइम। थोड़ा रेस्ट किया, फिर हमने कपड़े धोए क्योंकि कई दिन से धूप नहीं अच्छे से निकल रही थी, और जिस दिन आए उस दिन अच्छे से धूप निकली, काफ़ी अच्छी धूप निकल गई थी। तो फिर हमने सारे ही कपड़े धोए सुखाए, बहुत टाइम लग गया, बहुत सारा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो धूप अच्छी निकल गई, तो इस वजह से आज ही कपड़े सूख जाएंगे, आज ही प्रेस के बांध देंगे हम। अलग अलग कर दिए मैंने, प्रेस के एक तरफ कर दिए हैं, और जो है चादरें थी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी घर की, कभी गर्म कभी ठंडी। ये इंद्रश्री के कपड़े मैंने अलग बकेट में रख दिए ताकि मिक्स ना हो सबके साथ। इसकी भी एक बकेट और एक ये वाली बकेट टॉवल्स की, इतने टॉवल हो गए क्योंकि तीन चार तो हमारे ही हो गए थे टॉवल बाहर जाने के। और बाकी मान लो भाई बच्चा के भी हैं, सब गीले विले ऐसे ही पड़े थे, इस मैंने कहा सारे ही धो देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पूरा का पूरा तार भर गए थे, तीन चार तार हैं। बैग वैग धोए, थोड़ा सा काम ऐसे ही हो गया था। स्टैंडों पे भी सुखाए हमने कपड़े, ये देख लो। ठीक है, सूट तो समझ दे अपना प्रेस पे। हाँ अच्छा, दे दो ले रख दे, सूट प्रेस पर रख दे अपना। ये प्रेस पे जाएंगे अभी सबके कपड़े, या चेन वाला लोअर किसका है? कौन सा अक्की गए हैं सब प्रेस पे जाएंगे? नहीं, ये प्रेस पे नहीं जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो भाई स्वागत है रिजाटी के ब्लॉग में। काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जिस दिन हम शादी में से आए थे ना, उसी दिन मेरे को चोट लग गई थी आते ही। बल्कि पूजा तो आई भी नहीं थी, पूजा तो खूब डांस वांस करके बाद में आई थी, क्योंकि वो लड़की वालों की तरफ से भी थी और लड़के वालों की तरफ से भी थी। फिर वो मुझे छोड़ के बारात में चली गई उधर, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे इंद्रश्री की वजह से। काफ़ी बच्चा परेशान हो जाता बाहर, और दोनों छोटे बच्चों को भी लेके आ गई थी मैं शादी में से। फिर अगले ही दिन हमें जाना था बाहर, क्योंकि जो ज्योति गई थी उसके लिए मैंने जो है बोल रखा था बालाजी की सवामणी चढ़ाने के लिए। फिर मैं बालाजी चली गई थी, सवामणी चढ़ाने गई थी मैं, ज्योति के लिए बोल रखी थी, और उसमें टाइम लग गया काफ़ी। फिर उधर से उधर हम आए तो दो तीन दिन लग गए। एक रात को तो हम निकले ही थे, वहाँ जाके इतना मतलब ऐसा पानी की वजह से पता नहीं क्या गला ख़राब हुआ, इतना कफ हो गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो गई थी, सर्दी वर्दी हो गई थी, चेस्ट भी इतनी ब्लॉक हो गई थी। फिर कल डॉक्टर के दिखा के आए हम, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इतने सारे कपड़े हो गए क्योंकि पूजा भी गई थी साथ में, और तीन तो हमें हो गए हस्बैंड जी और मैं और गुड़िया, तीनों के तीन दिन के कपड़े। आना जाना काफ़ी दूर पड़ता है, और आने के बाद बच्चों के कपड़े घर के इतने हो गए थे तीन दिन में ही, क्योंकि तीनों बच्चे घर पे ही थे। नहीं, शानू और कनू बड़ी दीदी के घर पे गए थे, दोनों बच्चे घर पे ही थे, उनके भी काफ़ी हो गए थे, स्कूल भी गए थे पीछे से, और घर के भी कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, काम भी मतलब ज़्यादा फैल ही गया था। कल हमने पूरा दिन कपड़े धोए हैं, पूरा दिन छत पे, और फिर लगाए, फिर प्रेस पे भेजे, अभी थोड़े बहुत रहे और रहते हैं कपड़ों का काम। तो अब मैं सोच रही हूँ, पेट ना मतलब नॉर्मल जो मेरा था ना जिस टाइम पे डिलीवरी के बाद, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया पेट, पता नहीं क्यों मतलब वेट ऐसे बढ़ गया एकदम से। गूंद वगैरह खाया उस वजह से, या फिर मतलब मैंने दवाई खाई थी, मेरे गले में ना यहाँ पे गांठ हो गई थी, अब थोड़ा आराम है, देखो हल्की हल्की दिख रही होगी यहाँ पे, थोड़ा सा आराम है अब गले में एक साइड में। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था थायराइड की गांठ बन गई, ठंडी गांठ बोलते हैं इसको, एक थायराइड नहीं होता ये, जैसे कि वो ब्लड में हो जाता है वैसे थायराइड नहीं है, बोले कि गांठें बननी शुरू हो गई हैं। तो गले में ही हुई थी मेरे को फिलहाल, तो यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, दम सा घुटता था। फिर अब कम है, अब थोड़ी बहुत ही है, फिर मैंने दवाई बंद कर दी, वो मैंने कहा ये पता नहीं फैट की वजह से हो रहा है क्या, ये बीमारी आ रही है, फिर मैंने अब दवाई कम कर दी क्योंकि मेरा जो है वेट बढ़ रहा है उन दवाइयों से, पता नहीं क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो गांठ तो कम हो गई है, पर फिर मैं सोच रही हूँ अब नेचुरल जो है वेट लूज़ करूँ तो सही रहेगा, क्योंकि
देखो कई वीडियो में लोगों ने बोला है कि वेट वेट को आप इतना इशू मत बनाओ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, पर बीमारियां हाँ बॉडी में इतनी लग जाती हैं जब वेट बढ़ता है तो उसके साथ दवाइयां एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पर मैं नहीं, मतलब अगर वेट लूज़ नहीं किया तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊँगा, मेरी फैमिली को कौन संभालेगा। तीन तो मेरे बच्चे कनु है, फिर शानू का भी आधा प्रेशर इधर ही रहता है, तो ये समझ लो कि 4-5 जनों का पूरा मतलब भार है मेरे अभी कंधों पे, तो उसको कैसे संभालूंगी मैं तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे को अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और काफ़ी देखभाल करनी है, क्योंकि ट्यूशन भी जाएंगे बच्चे, काफ़ी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, इनके साथ बैठना भी पड़ेगा, कनू को जो है अभी टाइम काफ़ी देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। अब वो सोचती है कि मम्मी नहीं है तो मारेगा नहीं कोई भी, या पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, ऐसे सोचती है। जब भी पढ़ने का नाम आएगा ना तो ऐसे आंसू बहा के रोने लग जाती खड़ी खड़ी, और बल्कि इसको मारते नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि मैं पिटाई करूँगी, मम्मी तो नहीं है, तो अब मैं मेरे को जब गुस्सा आएगा तो फिर मैं मार भी दूँगी उसको, क्योंकि पढ़ने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए, और सब चीज़ों के लिए मैंने कहा, और सब चीज़ों के लिए खुली छूट है। खाना खुआने पीने का जो है बच्चे के साथ लाड होता है, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल वीक नहीं है, क्योंकि वो सोच रही है कि अब तू फ्री हो गई है, मम्मी पापा नहीं है बिल्कुल भी, और जो मर्जी तू कर, जो मर्जी, तेरे को कोई कोई डांटने वाला नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा मेरे को ही ध्यान देना पड़ेगा। कोई उसको बोलता है ना पढ़ने के लिए कुछ भी, उसको उल्टी आंखें दिखाती है, उसको डराने की कोशिश करती है कि ये सब मेरे से डर जाएंगे, रोने लग जाएगी या फिर आंखें निकालेगी ऐसे बुरी तरह से। मैंने कहा ये मेरे ही काबू में आएगी, तो थोड़ा उस पर ध्यान देना। और सर्दियाँ आ गई, इंद्रश्री की फर्स्ट सर्दी है, तो उसके लिए कपड़ों का भी एडजस्टमेंट करना, ये वो खरीदना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्वेटर वगैरह बनवाएं एक दो सासू माँ से, और ठंड एकदम से बढ़ गई है, धुंध भी आने लग गई है, तो भाई इस बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी मिली। जैसे बताया क्या, 10 तारीख को मौसी चली गई घर से, मुझे पता लगा 11 को, 10 तारीख को जब मौसी चली गई घर से, तो फिर और शादी थी हमारे घर में 12 तारीख की रात को, गेस्ट भी आने थे घर पे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इतनी ये था कि भगदड़ सी मची हुई थी, इधर से पूजा इधर उधर जा रही थी सामान वगैरह लेने के लिए, कभी फेशियल करवा रही थी कभी कुछ, और फिर थोड़ा सा हस्बैंड जी को भी कुछ काम था, तो 2 दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, तो मौसी के लिए वीडियो वगैरह भी बना के डाली थी, वो फिर मैंने अब डिलीट भी कर दी क्योंकि मौसी मिल गई है। तो मौसी का मेन कारण पता है क्या जाने का, मौसी का माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पिछले कुछ 2-3 साल से तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान रहती हैं, अब इतना हो गया है कि उनको यही नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं है, बस उनको घर छोड़ के जाना है। आपने व्लॉग देखा भी होगा मेरा, जब मैं मौसी के घर गई थी दिवाली से पहले, तो मौसी ऐसे मतलब नॉर्मली अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रही थी कि भाई बेटी आई है, मतलब कि जमाई आए हैं साथ में, वो बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं कर रही थी, बस उन्हें एक बार आए मिली और अंदर चली गई, और जिस टाइम जाने लगे फिर उस टाइम में एक बार आवाज़ लगाई, हमने ही बुलाया उनको, फिर वापस चली गई मान करके हमारी। मैं तो बोल रही थी मौसी बाहर आ जाओ, बोली नहीं बाहर नहीं आऊँगी छोड़ने के लिए, अंदर रूम में ही चली गई वापस, गेट बंद करके लाइट बंद करके आराम से लेट गई, फ़ोन देखती हैं, बल्कि पूरा दिन फ़ोन देखती रहती हैं, वीडियो देखेंगी कुछ भी, बस ना तो घर वालों से बात करती हैं, ना अपने मन की कुछ बात कहती हैं, ना कुछ, बस नहाना धोना भी ज़बरदस्ती दीदी करवाती हैं कि उठ ले नहा ले खाना पी ले खा पी ले, इस तरीके से। मतलब मौसी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मौसी गई हुई थी गाँव में अपने घर आश्रण, वहाँ पे उनका कुछ लेना देना होगा, जैसे भाई अपने गांव से दूर रह रही बेटी के पास रह रही है, अब बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन वो भी बेटा भी उनका ऐसा ही हो रहा कमज़ोर सा, तो गांव में चली गई थी दीदी और मौसी, तो कई दिन हो गए थे वहाँ पे रहते हुए, तो पता नहीं अचानक ही क्या हुआ, एकदम से दिमाग में आया ऐसे, मतलब दीदी के साथ नॉर्मली रह रही थी कुछ भी यूँ ना, तो कोई बात नहीं, चीत नहीं कुछ भी, ना लड़ाई ना झगड़ा, बस दीदी ने बोला कि सुबह सुबह किसी के घर जा रही थी मौसी, जैसे कि जिसने पैसे वैसे ले रखे होंगे उनके पास जा रही थी, तो दीदी ने बोला कि आते हुए ना दूध की थैली वगैरह ले आना, उनको 100 रुपये भी दे दी मौसी को दीदी ने कि आते हुए दूध वगैरह की थैली ले आना, तो चली गई मौसी उनके घर ना जाके, पता नहीं क्यों वहाँ चली गई जहाँ पे अड्डे पे बस मिलती है, वही दिमाग में होगा जैसे पिछले साल हो रहा था कि घर से भाग जा तू, अब
अड्डे से पकड़ के वो जो है बस पकड़ के खरखोदे वाली बस में बैठ गई। खरखोदे से पता नहीं वो सोनीपत गई कहाँ गई। दीदी ने तुरंत जो है, रात को मेरे पास फ़ोन आया दीदी का, तो बोली कि मैं वीडियो, मैंने कहा दीदी मैं तो बाहर हूँ और अभी वीडियो तो नहीं बना सकती, आप ऐसा करो आप बना के डाल दो। मैंने दीदी को बोला कि आप बना के डाल दो और जो है मैं कोलैबोरेशन कर लूँगी वीडियो का और काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी, जहाँ तक भी पहुँचेगी कम से कम कोई तो ऐसा मिलेगा जो हेल्प होगी, क्योंकि ऐसे पागलों की तरह घूमने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या पता कहाँ गई होंगी, कौन से रूट पे गई हैं, किधर गई हैं, कुछ भी पता नहीं है। तो वही मतलब दीदी और कोई वही रहा कि भाई मिलेंगी तो ऐसी जगह पे ही मिलेंगी जैसे पहले मिली थी पिछली बार, रेलवे स्टेशन के पास बैठी हुई, मंदिर के पास, या जहाँ पे ये लगता है ना कि क्राउड होता है, भीड़ होती है, खाना पीना मिल जाए वहाँ पे बैठ जाती हैं जाके। तो ऐसे ही मतलब चली गई, दो दिन हो गए दीदी ने वीडियो वगैरह डाली बना के, और वीडियो से मतलब तभी तो कोई हेल्प वगैरह का तो आया नहीं था, पर जो मौसी का लड़का था वो इधर उधर कहीं जगह ढूंढ रहा था, उन्होंने खरखोदा वगैरह ढूंढा होगा। फिर तीसरे दिन जो है सोनीपत ढूंढा, सोनीपत रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो सोनीपत रेलवे स्टेशन की तरफ जब ढूंढा ना तो वहीं पर मिली मौसी खाना खाते हुए। तो दीदी का फ़ोन आ गया था कि रजनी मौसी मिल गई है। 13 तारीख को तो थोड़ा स्ट्रेस सा कम हुआ, नहीं तो इतना ज़्यादा यूँ लग रहा था कि मतलब पिछला साल भी मौसी का ऐसे ही चला गया सर्दियों का, अब फिर वही टाइम आ गया और ना कपड़े ना लगते, उनको ये भी नहीं पता मुझे खाना है पीना है, सर्दी में उड़ना है क्या नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहती हैं, ना नहाने धोने का कुछ भी नहीं पता। ये भी नहीं कि किसी रिश्तेदार के घर चली जाए, नहीं बस बाहर ही जाना है, कहीं पर भी बैठना है, कहीं पर भी रहना है। दिमाग इतना डिप्रेस हो गया है, समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या, कैसी बीमारी है कैसी नहीं। तो ये डिप्रेशन भी ना मतलब बहुत अलग अलग तरह का होता है, इतना डिप्रेशन मतलब इतना आदमी अंदर चला जाता है ना, उसको अपने पराए का कोई होश नहीं होता कि मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना है कोई, मुझे उनके पास ही रहना है, बस उनके दिमाग में जो आता है ना वो ही हो जाता है। कई बार इस तरह का भी डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी बीमारी भी हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हो गए हैं, या जिनके साथ वो रहते हैं मेरे बच्चे मेरे दुश्मन हो गए हैं, इस तरीके का एक डिप्रेशन हो जाता है। तो मौसी का तो इतना बुरा हाल है, यही मेरी मम्मी के साथ होता था। बस मेरी मम्मी को तो हम बहुत हैंडल किया, पर लोग ना बहुत मजाक बनाते थे। दोनों बहनें तो उस टाइम पे कुंवारी थी मेरी और मेरी शादी हो रही थी, तो आधे तो ये कहते थे कि फंड कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इस तरीके से बोलते थे। तो जिस पे बीतती है ना उसको ही पता है, जब जिस पे पड़ी है ना उसको पता है कि उसके घर का क्या हाल है। तो बहुत लोग मजाक बनाते थे पहले हमारा, और मैं तो यही कहूँगी कि भाई जिस पे बीतती, अब दीदी पे बीतती है ना, तो उनको पता है कि उनका मतलब मौसी का क्या हाल है, तो किसी का ऐसे हाल में मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने अपनी मम्मी का मतलब ये वाला वो रूप देखा है कि मेरी मम्मी मतलब हाँ मतलब कपड़े फटे हुए, अपने आप सर्दी में नंगे पैर जा रही है, सलवार का पोंछा कहीं जा रहा है, कुछ जा रहा है, पैर में काटा चुभ रहा है, इतने लंबे लंबे कील बढ़ गई, कुछ बढ़ गई, कोई मतलब नहीं है उन्हें बॉडी से, बस बाल खिंडे हुए हैं, गले में चुन्नी है या नहीं है वो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था। ऐसा ही एक बार हुआ था जो है मम्मी के साथ, जिस टाइम मरने से कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जैसे जनवरी के टाइम की बात है, तो जनवरी या फरवरी के टाइम की बात है। इतना मतलब बुरा हाल था ना उस टाइम पे मम्मी का, मैं बता नहीं सकती ज्योति ने कैसे हैंडल किया। ज्योति को और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो आदमी डिप्रेशन में होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने बच्चों तक तो मार भी सकता है, सोते हुए भी वो मार सकता है, वो अपने बच्चों के साथ मतलब कुछ गलत हरकत भी कर सकता है और कुछ खिला के भी मार सकते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं ना आदमी, जो अगर मान लो घर में रह रहे हैं ना, तो कई बार ऐसा डिप्रेशन हो जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता, जो बंदा हमारे साथ रह रहा है ना हमें वो नॉर्मल लगेगा, पर उसकी हरकतें ना कुछ अजीब सी हो जाती हैं, तो हम सोचेंगे कि जानबूझ के हमारे साथ ऐसा कर रहा है, पर वो डिप्रेशन होता है एक तरह का, उसको दिखाना चाहिए। अगर किसी के घर में ऐसा पेशेंट है, बच्चे हैं, या बच्चों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा मार पिटाई कर रहा है कोई इंसान, या बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डरा धमका के रख रहा है, तो उसमें भी एक इंसान का डिप्रेशन हो सकता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं जब लोग, तो ये बहुत मुश्किल पहचानना होता है, बहुत मुश्किल पहचानना। जब बिल्कुल हाई लेवल पर पहुँच जाता है ना, जब घर वालों को समझ में आता है कि ये बीमार हो गया है, नहीं धीरे 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 ये बीमारी कई साल तक ऐसे ही चलती रहती है, किसी को पता भी नहीं लगता। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि जिस टाइम पे
ज्योति और मम्मी एक साथ रहते थे जब पूजा हॉस्टल में थी, तो कितनी ज़्यादा परेशान हुए थे हम, मेरी मम्मी के मरने से कुछ दिन पहले की बात है ये। और डिप्रेशन में इंसान क्या नहीं कर सकता, मैं बताती हूँ डिप्रेशन में इंसान क्या नहीं कर सकता है कि कुछ मतलब उसके लिए कुछ ना, तो जीना उसके लिए है ज़रूरी है ना उसके लिए मरना ज़रूरी है। उसको जो दिमाग में एकदम से बैठ गई ना वो चीज़, वो ही हो जाता है बस। तो हमारे साथ तो बीती हुई है भाई, हमने अपनी मम्मी को झेला है, किस तरीके से हमने उनको ट्रीट किया है ना, बस मम्मी ही पता है। मैंने तो इतना तक मतलब सहन किया है कि मेरे हाथ से मैंने रोटी खाई, तो रोटी खा रही हूँ, बच्चों के मुंह में से बोतल निकाल ली दूध की, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे उस टाइम पे, अक्षित 1 साल का था, 1 साल का भी नहीं हुआ था शायद, एक साल का था, पैदल चलना नहीं सीखा था, और गुड़िया 2.5-3 साल की थी। तो ये देख लो कि उस टाइम पे जब मम्मी इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, उनका ये भी नहीं पता अपने बच्चों को दूध देना है नहीं देना है, बस घर से निकाल दो घर से निकाल दो, इस तरीके की मतलब रट लग जाती थी, बच्चों को भी दूध मत दो, क्यों आई है तू यहाँ पे, वो मतलब समय मैंने कैसे रो रो के निकाला है बहुत। और वो डिप्रेशन कभी गया ही नहीं, वो मेरे पापा के मरने के बाद धीरे 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 जब अकेले रहने लग गई ना मेरी मम्मी, वो स्टार्ट हो गया था डिप्रेशन होना। कुछ तो मम्मी को पहले ही मतलब पापा के मरने से पहले ही कुछ घर की हालत ठीक नहीं रहती थी, तो वो अपने आप ही एक बीमारी सी बैठ गई थी। फिर मम्मी जो है पापा के डेथ के बाद अकेली रहती थी, और मैंने भी साथ छोड़ दिया था अपनी मम्मी का, तो उस टाइम पे फिर अकेले ही रहते रहते मम्मी को डिप्रेशन की बीमारी पता नहीं कब आ गई, कब हाइपर होती थी, कब साइलेंट होती थी, कब मतलब आपा खो देना, वो एक बीमारी अंदर इतनी घुस गई थी कि उसका हमने टाइम पे, हम तो बहुत छोटे छोटे थे, नहीं पता लगा हमें कि मम्मी एक बीमारी की ये मतलब चपेट में आ गई इतनी बुरी तरह। अगर टाइम पे हम उसका इलाज करते या देखते बाढ़ते ना, तो मतलब इतना ज़्यादा ना होता, और शायद मेरी मम्मी छोड़ के भी ना जाती हमें इतनी जल्दी। बस कहते हैं टाइम के आगे किसी का नहीं चलता, बेबस हो जाते हैं लोग, हमारे कर्म में शायद यही लिखा था। तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आपको, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।